जरूरत है। अगर ये खेत काट के हम यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाए फ्लाई हाई तो ये जगह और भी अच्छा लगेगा और टूरिस्ट यही रोड होके हिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पे रेस्टोरेंट खोलता है तो हम लोग को बहुत बेनिफिट होगा। पर कैसे, ये जमीन लेना तो इम्पॉसिबल है। मेरे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। पहले तुम ये पता लगाओ कि ये जमीन है किसकी, उसके बाद मैं ये जमीन खुद छीन लूंगी, चाहे प्यार से या फिर जबरदस्ती। देखिए वो लड़की देख रही है, लगता है जमीन उसका है। ओफो, ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, वो बस हमारी गाड़ी खराब हो गई है। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या? जी एक मैकेनिक है, मैं उसे कॉल करके बुला देती हूँ। हेलो, ढूंढ लाने को जो तुम न होते, होता ही क्या हार जाने को मेरी। इनका गाड़ी खराब हो गया, अब थोड़ा देख दीजिए। मैं चलती हूँ मैडम। मोहब्बत हो तुम, गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। ओह अच्छा, आपको देख के ठीक हो गया और शायद। आप ये लीजिए पैसा। मैं जितना गांडू समझता था उससे, वो उतना गांडू है नहीं। उसे फंसाने के लिए दूसरा टेक्निक यूज करना पड़ेगा। मैडम आज फिर से गाड़ी खराब हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा वेट कर रही थी, क्योंकि कल तुमने मेरा हेल्प किया ना, उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलना था। ओहो मैडम, इसमें थैंक यू किस बात की, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और वैसे आप लोग नए लग रहे हो, आप मेहमान हो हमारे गाँव की, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको कोई मुसीबत ना आए। तुम बहुत अच्छी हो, और तुम्हारा दिल भी, और तुम्हारी बातें, वाह। एक बुरा ना मानो तो एक बात बोलो। हाँ मैडम बोले ना। मुझे गांव घूमना है और मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो क्या तुम मुझे गांव घुमाओगे? अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है? अरे चलिए मेरे साथ, मैं आपको पूरी गांव घुमाऊंगी। कभी ख्वाबों में आऊं तेरी पलकों। वाओ, तुम्हारे कॉर्न का तो बात ही अलग है, मीठा और टेस्ट एकदम वाओ। शुक्रिया मैडम, काफी लोग मेरे खेत के कॉर्न की तारीफ करते, पूरे रोहिणी में सिर्फ मेरा ही कॉर्न लोगों को पसंद है। हाँ तुम्हारा कॉर्न है ही इतना टेस्टी। वैसे एक बात बोलू? जी मैडम बोलिए। कॉर्न का खेती सही है, बट हमें समय के साथ साथ अपडेट होना चाहिए। तो क्यों ना हम ये कॉर्न का खेती काट के यहाँ पे हम एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाए। और वैसे भी ये कॉर्न में रखा ही क्या है, यहाँ पे अगर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बन जाएगा तो यहाँ का लोग भी स्टैंडर्ड देगा और गाँव भी। मैडम आप क्या कह रहे हो, मुझे ये सब नहीं करना। और मेरे पापा की आखिरी निशानी है वो खेत, जब तक मैं जिंदा हूँ ना वो खेत को कोई छू भी नहीं सकता। और हाँ मैडम, अगर हम फसल नहीं उगाएंगे ना तो आप खाएंगे क्या, आपका नसीब में खाना भी नहीं होगा। सॉरी मैडम, और मैं आप सबसे नहीं मिल सकती, क्योंकि आपके और मेरे सोच में जमीन आसमान का फर्क है। चलती हूँ, और आप सब भी अपना रेस्टोरेंट खोलने का सपना लेकर वापस चले जाइए, क्योंकि यहाँ गांव में आपको कोई रेस्टोरेंट खोलने नहीं देगा।
साथ है ना, ये जमीन लेना मुमकिन नहीं है। अब तो मैं ये जमीन लेकर रहूंगी, अपना रेस्टोरेंट खोल के रहूंगी, इसने मेरा सिर्फ देखा ही कहा है। अब देखेगी नेहा का असली राम। अब टाइम आ गया है फल खाने का। रवि तुम्हें क्या लगता है, ये जमीन हमारे नाम होगी? बिल्कुल, अब सुबह मेरी जाल में फंस चुकी है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। आज उदास लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। तुम जान के क्या करोगे? जान के क्या करोगे मतलब, गर्लफ्रेंडों में तुम्हारी, तुम्हारा हर सुख दुख जानने का हक है मुझे। पर वैसे भी अगर बोलोगे नहीं तो सलूशन कैसे निकलेगा? वो एक्चुअली मैंने एक बिजनेस खोला था और उसमें मुझे 10 लाख की जरूरत है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। अगर तू ही, बस इतनी सी बात, तुम रुको मैं अभी आ रही हूँ। ये लो मेरे जमीन के पेपर्स, इससे लोन उठा के पैसे जमा कर देना, और जब पैसे हो जाए तब मुझे वापस कर देना। तुम इतने अच्छे कैसे हो सकती हो? थैंक यू सो मच। तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरे लिए कितनी बड़ी मदद की है। और शोभा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है कि कल हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्या अचानक? क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते हो? हाँ हाँ चाहती हूँ ना। तो फिर इतना सवाल जवाब मत करो और कल रेडी होकर मंदिर में आ जाना। ठीक है। कभी ख्वाबों में आऊं। ये लो जमीन का पेपर, तुमने जो बोला था वो मैंने कर दिया। मैं जा रहा हूँ सुबह से शादी करने, अगर तुम लोग चाहो तो आ सकते हो। शादी करने? पेपर्स तो हाथ लग गए। फिर ये सुबह से क्यों शादी करना चाहता है? कहीं से सुबह से प्यार तो नहीं हो गया? शादी तो ये तब करेगा ना जब ये जिंदा रहेगा। इसे रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि हमारे अलावा एक यही है जो इसे सारा सच पता है। अगर ये जिंदा रहा तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। सही कहा। क्या हुआ, तुम्हारा काम तो हो गया, तो फिर क्यों आए हो? एक काम बाकी रह गया था, वही पूरा करने आई हूँ। तुम्हें कैसे मैं भुलाऊं? रवि ये क्या हो गया, किसने मारा तुम्हें? जहाँ लगे मुझे मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर शोभा तुम टेंशन मत लो, मैं वादा करता हूँ तुमसे तुम्हारे जमीन के पेपर मैं वापस लेकर रहूँगा। सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे अच्छे से पता है उनसे पेपर कैसे लेना है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करना है मैं करूंगी, मैं अपने जमीन के पेपर खुद वापस लाऊंगी। मुझे जितना हाँ मैं जिंदा हूँ, और तुझे क्या लगा मुझे धोखा देके तू जीत जाएगी? कभी नहीं, क्योंकि एक धोखेबाज की जीत कभी नहीं होती। तूने इसे भेजा था मुझे बर्बाद करने के लिए, पर होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है।